हम तभी भगवान का एक बार भी नाम तभी ले पाते हैं जब भगवान की अति कृपा होती है। कृपा और अति कृपा में अंतर क्या हो सकता है? कृपा तो ये है कि हमें संसार के बहुत से साधन, कदाचित हम जिसके योग्य भी नहीं हैं, वो प्रभु की दया से मिल गया है। जैसे कि घर संबंधी और इत्यादि वस्तुएं, ये तो कृपा है। लेकिन अति कृपा है कि मनुष्य शरीर पाकर के फिर जिसके लिए हम आए थे वो कर पाए। श्रीमद् भागवत की कथा में आप सभी ने सुना होगा, देवहूति और भगवान कपिल का बड़ा अद्भुत संवाद है। तो हम सभी जब माता के गर्भ में थे तब भगवान से ये कहा था कि हे प्रभु, हमें इस मल मूत्र की गठरी से निकाल दो, एक बार हमें यहाँ से जाने का अवसर दो। तो हे प्रभु, हम केवल और केवल आपका भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सभी पैदा हुए, बड़े हुए, तो और सब तो करते हैं, केवल भजन ही छूट जाता है। कहते हैं कि भजन अब कर लेंगे तब कर लेंगे, लेकिन ये क्षणभंगुर शरीर है और इस शरीर का कब तक है ये कोई विश्वास नहीं है। तो ऐसे शरीर को पाकर के आप सभी वास्तविक सौभाग्यशाली हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, यहाँ तक आप लोग कैसे आए हैं, हम लोग कैसे आए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हुई। अति हरि कृपा जाहि पर हुई तो पांव दे यही मार्ग, तो तभी हम आ पाए हैं। नहीं तो लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ कथा हो, भगवत चर्चा हो, वहाँ एक पल बैठना भी मन को लगाना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब लग जाता है मन, तो आप कहीं भी रहो लेकिन आपका मन भगवान में ही रहता है। संसार में तो दिखते हैं जो साधु जन होते हैं वो भी भाई कपड़ा पहनते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है इससे मतलब नहीं। एक साधु को मैं श्रवण कर रही थी तो उस साधु महात्मा बता रहे थे कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था, गंगा के किनारे रहना, और केवल भिक्षा मांग कर जो मिल जाता उसी को खाता था और कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। तो एक दिन गया तो जिनके यहां से मैंने भिक्षा ली उनके घर से बाद में 4-6 सुअर निकल के आए। तो वो महात्मा अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने बताने लगे कि जिनके यहां से तो हमने भिक्षा लिया उनके घर में तो सुअर रहते हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। तो गुरुदेव, उनके यहाँ की भिक्षा क्या पवित्र है, क्या खाने योग्य है, ले तो लिया है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि आप तो इसे जल में जल से धो लो और भगवान को भोग लगा के थोड़ा चींटियों को दे दो, थोड़ा जो जीव जंतु है उनको दे दो, भगवान को प्रणाम करके पाओ, क्योंकि हमारे भीतर वह परमात्मा सबके भीतर बैठा है। और हमें तो हम कोई ये नहीं कि हम रस लेने के लिए भोजन कर रहे हैं कि हमें कोई रस मिले, हमें कोई स्वाद मिले, हम तो इसलिए कि शरीर निर्वाह हो जाए। और जब ये वृत्ति हो जाती है तो वो संसार से जीते जी मुक्त हो जाता है। तो स्वभाव बनाना है कि हमें हमसे भजन ना छूटे, किसी भी परिस्थिति में रहें। तो बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा।
तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। कल हमने चर्चा की थी, तो आइए विषय पर आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस अथाह है, अगाध है, और इसकी चर्चा करना, श्रवण करना, कहना दोनों ही कठिन है। कहा तो कठिन समुझत कठिन साधत कठिन, ये कहने में कठिन है और सुनने में भी, बैठने भाई मन तो बैठा। अब कभी कभी क्या होता है, हम बैठे हैं लेकिन पता चला अरे कथा हो रही है, हम तो कहीं और थे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, यहां तक दुष्टों को, खल को भी प्रणाम किया। और एक संत तो कह रहे थे खल कौन है, पूछा गया उनसे भाई खल कौन है, तो कहा जिसका खाए उसी से लड़े, वही खल है। और आजकल तो संतान ही संतान ने, एक संत तो कह रहे थे संतान अब कहाँ जन्म लेती है, अब तो शैतान ही जन्म लेते हैं, संतान कहाँ रह गई, अब तो शैतान आ गए, वो तो बस। तो इसलिए सब लोग क्या चाहते हैं, लड़के। आज के युग में हर कोई चाहता हमको लड़की ना होवे, क्या होवे, लड़के होवे। और लड़के जब होते हैं तो लड़के आते हैं, लड़के जाते हैं, है कि नहीं। तो लड़ रहे हैं सब आपस में, उनको हम संस्कार विहीन बना दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने मर्यादा में बांध दिया है, और बिना मर्यादा के जीवन तो पशुवत है। एक संत ने लिखा है सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सुसाद कहां, पुनि ताल मजीरा बजाती थीने, अमीरा मतवारी सोचा कहां, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। रामायण तो अनेक है लेकिन तुलसी जैसी मर्यादा यत्र कत्र नहीं, कहीं नहीं है। सूरदास जी जैसी कविता नहीं है और तुलसीदास जी जैसा कोई मर्यादित ग्रंथ लिखने वाला नहीं है। तो तुलसी जैसी मर्याद का, किसी ने एक बार सूरदास जी से कहा कि, सूरदास जी पद गा रहे थे, तो किसी ने कहा सूरदास जी से कि आप बहुत बढ़िया आपने लिखा है लेकिन कविता तो तुलसी की बड़ी उत्तम है, तुलसीदास की। तो सूरदास जी बोले कि अरे तुलसीदास जी क्या लिख पाए हमारे समान कविता, हमारी कविता सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास जी बोले क्योंकि हमारे नेत्र ही नहीं, हम कुछ देख ही नहीं सकते। तो कहा आप तुलसीदास को नहीं मानते कि उनकी कविता श्रेष्ठ है। बोले कि तुलसीदास जी ने कविता लिखी ही नहीं है, कविता तो हमारी श्रेष्ठ है लेकिन तुलसीदास जी ने तो साक्षात परमात्मा को ग्रंथ में उतार दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। तो जो तुलसी ने लिखा है वो कविता नहीं है, वह ग्रंथ है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो अद्भुत ग्रंथ की रचना की और तुलसीदास बाबा ने सभी को प्रणाम किया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणाम करते करते खल को भी प्रणाम किया, दुष्टों को, संत को, असंत को, राम नाम की वंदना को बहुत गाया है कि राम नाम की महिमा सर्वश्रेष्ठ है इस काल काल में। कलयुग केवल नाम आधारा, बहुत से साधन तो हैं लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, करे क्या सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो बहुत साधन है लेकिन नाम की महत्ता दी। और तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया,
सुमित्रा माता को, कैकेयी माता को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, भगवान के सभी पार्षदों को जो सुग्रीव हैं, जामवंत जी हैं, सब भगवान के पार्षद स्वरूप, उन सभी को प्रणाम किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं चलो अब कथा सुनाते हैं। 43 दोहे से श्री राम चरितमानस में कथा कर्म घाट से प्रारंभ होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरु हिया धरि पाई प्रसाद, कहाँ जुगल मुनि बरिय कर मिलन सुभग संवाद। भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते हुए श्री राम कथा को प्रारंभ करता हूँ। कहते हैं जिन्होंने राम कथा रूपी गंगा में अपने मन को नहलाया नहीं, वो कलयुग के द्वारा ठगा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, कहते हैं कि जिन्होंने राम कथा रूपी गंगा में अपने मन को स्नान नहीं कराया, वो कलयुग के द्वारा ठगे गए। ते कायर कलिकाल बिगोए, और जो राम कथा रूपी गंगा में आदर के सहित श्रवण कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके पाप मिट जाते हैं। मिट ही पाप, कोई ऐसा इस जग में जन्मा ही नहीं जिससे कभी कोई गलती ना की हो, है कि नहीं? कोई पाप ना बना हो, सभी से कभी छोटा कभी बड़ा पाप बन जाता है। तो पाप जब तक है तब तक हमारे जीवन में दुख रहता है, जब तक बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद मिट ही पाप, परितोष ही के, और हृदय को संतोष मिलता है। और बिना संतोष के, संतोष अगर नहीं मिला तो बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही, और राम भजन बिनु मिटही कि कामा, थल विहीन तरु कबहू कि जामा। और जब तक कामनाएं हैं तब तक कुछ भी कर ले,
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस शरीर के रहते रहते काम क्रोध आदि इन विकारों को सहने लगता है तब वो जीते जी मुक्त हो जाता है, अन्यथा मृत्यु के पश्चात कौन सी उसकी सद्गति होगी। नहीं तो इस संसार में तुलसीदास जी कहते हैं त्रिषित निरख रवि कर भव बारी। रेगिस्तान में जो लोग गए होंगे तो जब गर्मी का महीना होता है भगवान भास्कर की किरणें पड़ती हैं तब बालू जल के जैसा चमकता है दूर से। तब जब वहाँ के जानवर मृग आदि देखते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ी दूर पर पानी है, वो मृग दौड़ कर जाता है कि पानी पी लूंगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन प्यास तो बुझती नहीं है क्योंकि वहां पानी है ही नहीं, वो तो केवल बालू की चमक है। ऐसे ऐसे बेचारा बहुत दूर दूर की यात्रा करता है, अंततः दौड़ते दौड़ते मर जाता है, प्यास भी नहीं बुझ पाती। तो यही तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य के मन की गति यही है, मनुष्य की खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं है, बुद्धि उसी को थोड़ी समझना चाहिए जो केवल कमाना खाना जाए जान इसी की, बस कैसे हमें पैसा कमाना है धन कमाना है। मनुष्य से अच्छे तो पशु हैं, कुत्ते को रोटी दीजिए अगर कुत्ता पेट भर लेगा अपना तो चाहे आप माल पुआ रख दो, अगर उसका पूरा पेट भरा है तो वो फिर नहीं खाएगा, क्यों उसका पेट भर गया छोड़ के चला जाएगा। मनुष्य के पास अगर ज्यादा सामान है तो वो कल के लिए संग्रह कर लेगा। भागवत में लिखा है कि जो अपने खाने से अधिक पहनने से अधिक संग्रह करता है वह चोर है और उसे दंडित किया जाता है। हम सभी तो चोर हैं, है कि नहीं, ज्यादा ज्यादा है सब, बैंक बैलेंस की चिंता है तो इसकी चिंता है उसकी चिंता है, भागवत के अनुसार तो हम लोग चोर हैं, पापी हैं। हम कहते हैं अरे हम तो कौन सा पाप किए हैं, लेकिन जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे कितने जानवर मार के आए होंगे, आप आपकी गाड़ी से कितनी चींटे चींटी मरे हैं, ये पाप नहीं है। चाहे जान में पाप किया जाए चाहे अनजान में, फल दोनों का मिलता है, चाहे जान में कांटा चुभे चाहे अनजान में दर्द तो होगा। अंगार पर हम पैर रखें आग पर तो भैया चाहे जान के रखो चाहे अनजान में वो जला देगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है जलाना, उसका स्वभाव है दर्द देना कांटे का चुभना। ऐसे ही अवश्य वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो इसलिए मिटे ही पाप परितोष ही के, पाप मिटाना हो तो भगवान की शरणागति, जैसे कि तुलसी ने, रहीम ने, कबीर ने, रैदास ने, कर्माबाई ने, मीराबाई ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। और कहते हैं कि आइए हम सभी श्रवण करते हैं कथा कहाँ शुरू हो रही है। भरद्वाज